हेलो एंड वेलकम टू टेली टॉकीज। दोस्तों, बिग बॉस के घर में अब अंकिता लोखंडे पूरी तरीके से पड़ चुकी हैं अभिषेक के पीछे। जिंदगी खराब करना चाहती हैं अभिषेक की। तभी तो अंकिता ने उठाया है बहुत बड़ा कदम। अंकिता ने अभिषेक को डबल ड्यूटी दे दी है, क्योंकि घर में एंट्री होने वाली है अब अभिषेक के परिवार वालों की। और अभिषेक ने जाकर हाथ जोड़ कर की अंकिता के सामने रिक्वेस्ट, लेकिन अंकिता ने एक ना सुनी अभिषेक की। क्या हुआ है, कैसे हुआ है, चलिए पूरी खबर हम आपको बताएंगे। पर उससे पहले आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को आप दबा दें। दोस्तों, बिग बॉस के घर में यहाँ पर बहुत बड़ा गेम खेल रही हैं अब अंकिता अभिषेक के साथ। सबके घर वाले आकर जा चुके हैं, लेकिन अभी भी अभिषेक, समर्थ और ईशा के घर वाले आने हैं। और ऐसे में अंकिता ने अभिषेक से कह दिया है। अभिषेक अंकिता के पास गया और उसने अंकिता से बोला कि अंकिता जी, प्लीज़ मुझे आप आज कम ड्यूटी दे दीजिए, क्योंकि मेरे फैमिली मेम्बर्स आने वाले हैं। अंकिता ने कहा, नो अभिषेक, काम तो तुमको करना पड़ेगा, अब तुम सोचो कैसे करोगे। ऐसे में अभिषेक ने कहा कि ठीक है, आप मुझे काम कम दे दीजिए, मैं कर लूँगा। अंकिता ने कहा, पर तुम्हें तो किचन का काम करना है, किचन की ड्यूटी करनी है, करनी पड़ेगी, कैसे भी करो। और सुनो, आज ईशा की भी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, तो तुम्हें ग्राउंड को भी साफ करना पड़ेगा। अभिषेक ने कहा, अंकिता जी, आप गलत कर रही हैं, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं, मेरे पेरेंट्स आने वाले हैं, मेरे फैमिली मेंबर आने वाले हैं। लेकिन अंकिता ने नहीं मानी और उसके बाद अभिषेक ने कहा, ठीक है, अगर आपको लगता है यही सही है तो मैं यही कर। जिसके बाद अभिषेक ने अपनी जी जान लगा दी। और आपको बता दें कि अभिषेक ना सिर्फ गार्डन की ड्यूटी करने में लग चुका है, बल्कि वो अकेले किचन को भी संभाल रहा है मन्नारा के साथ। अब यहाँ पर देखना ये होगा कि अंकिता ने जो आज अभिषेक के साथ किया है, क्या उसके बाद अभिषेक को समय मिल पाएगा अपने परिवार वालों के साथ बैठने का या नहीं। क्या लगता है आपको, आप हमें कमेंट्स में ज़रूर लिख कर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना आप ना भूलें।